जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत फाइन तो देने के बाद में लोग देखेगा कि पैसा लग गया, हमारा जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन एज ए पुलिस पब्लिक के जो संबंध है, रिलेशन जो है, और सुधार लाने के लिए हम ऐसा मैंने सोच रहा है कि मैंने लोगों ज़्यादातर मैंने बिना हेलमेट के चलते हैं, यात्रा करते हैं बाल बच्चों को लेकर के, तो कम से कम उनको हेलमेट हम खरीदवा दें और सुरक्षित करें, दो चले, तीन नहीं चले, पाँच नहीं, छः नहीं चले, इसी के लिए मैंने हम अपना ऐसा हमको दिमाग में ऐसा बुझाया अपना मैंने उम्र के लिहाज से कि नहीं ऐसा कुछ करने से कहीं सुधार हो जाएगा। क्या लगता है इस अंदाज में लोग अपनी बेइज्जती खुद समझते हैं कि हम महसूस कर रहे हैं, अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे, बार बार लोग कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, धन्यवाद। सर एक मिनट, वो जो आप उस जो एक बाइक पर पाँच छः बच्चे सवार जो थे, जब आपने उन्हें पहली बार रोका तो आपको क्या लगा? हमको लगा कि जानबूझ के ऐसा मैंने पूरे परिवार को लेकर के चल रहे हैं और ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको हम बहुत मैंने बच्चे पर हमको तरस आया कि इस तरह के नहीं होना चाहिए। देख रहे थे कि ट्रैफिक के अलावा आप उनको ये भी समझा रहे थे कि जो फैमिली प्लानिंग है वो भी सीखिए। हाँ, अरे एक आदमी आज के युग में मांगी है, आज का युग है ना, आप पाँच पाँच बच्चे, अब तो मेडिकल विभाग का टीम है। सर ये क्या लगता है, मतलब क्या आपके इस तरह के तरीके से वो सुधार हो जाएगा? अच्छा, सुधार हो जाएगा, सुधार होगा। हाँ, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि हम हेलमेट खरीदवाएं, लालगंज में जो भी लोग चले प्रयास कर रहे हैं कि जब आपने पहली बार उन्हें रोका तो उनका क्या रिएक्शन क्या था, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, रिएक्शन नहीं, शर्मिंदित हो गए, अपने आप को शर्मिंदित हो गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर आपने रोका, फिर वो चले गए वापस उनके? हाँ, बच्चे लोग को उतरवा करके रिक्शा पर भेज करके हम उनको भेजा।